हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट वेव सिंथेसिस फॉर इनफाइनाइट साइन वेव। क्वेश्चंस, गिवन क्वेश्चन इज फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन वेव फॉर। अभी तक हमने सिर्फ हाफ साइकिल का लाप्लास ट्रांसफॉर निकाल रहे थे। अब कहता है कि ऐसे हाफ साइकिल इनफाइनाइट टाइम्स तक हो तो इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो हम इन्फिनिटी टाइम्स के लिए पहले हम एक वेव फॉर्म का निकाल लें हाफ साइकिल का, उसके बाद उसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 1/(1 - e^-st, st मतलब t इक्वल टू टाइम पीरियड। यहाँ टाइम पीरियड क्या है इस वेव फॉर्म का देखा जाए तो एक टाइम पीरियड 1 है, क्योंकि 0 से 1 और 1 के बाद फिर ग्राफ रिपीट हो रहा है। तो यहाँ टाइम पीरियड इस ग्राफ के लिए क्या होगा 1। तो सॉल्यूशंस इज दैट कि द गिवन वेव फॉर इज साइन वेव एंड विथ टाइम पीरियड t इक्वल टू इज 1। तो हम पहले 1 टाइम पीरियड यानी 0 से 1 का एक का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लें और उसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 1/(1 - e^-st) से, तो वो पूरे इनफाइनाइट टाइम्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा। तो पहले हम एक वेव फॉर्म का निकालें 0 से 1 तक का, है ना। तो केस फर्स्ट, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वी नॉट। हमने मान लिया वी वन डैश टी का हमने साइन वेव बनाया 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और दूसरा v2 dash t का हमने बनाया, शिफ्ट कर दिया 1 पे और यहाँ से साइन वेव ले लिया। अब दोनों साइन वेव को ऐड करेंगे तो हमें कहाँ से कहाँ तक मिल जाएगा, 0 से 1 के बीच। क्योंकि 0 से 1 के बीच v1 dash t की वैल्यू 0 से 1 के बीच v0 है मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे 0 है v2 dash t में। तो 0 प्लस ऊपर वाला वेव को अगर ऐड करोगे तो ऊपर वाला वेव मिलेगा हमें, यानी 0 से 1 के बीच ऐसा ही वेव होगा जैसा v1 dash t है। क्योंकि v1 dash t में 0 और 1 के बीच अगर 0 ऐड कर दें तो ऐड 0 होने से वही मिलेगा v1 dash t का वैल्यू। तो यहाँ पे 0 से 1 एज इट इज वेव फॉर्म होगा। नेक्स्ट वेव फॉर्म देखें 1 से 2 के बीच, तो v1 dash t क्या है नेगेटिव और v2 dash t क्या है पॉजिटिव। फिर दोनों को ऐड करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या हो जाएगा 0। ऐसे इन्फाइनाइट तक सब क्या हो जाएगा 0। सिर्फ हमें जो वेव फॉर्म मिलेगा दोनों को ऐड करने से वो कहाँ से कहाँ के बीच मिलेगा, 0 से 1 के बीच मिलेगा। तो v1t क्या हो जाएगा v1 dash t प्लस v2 dash t, ये 0 1 के बीच ग्राफ आएगा। इस एक साइकिल के लिए हम क्या निकाल लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम इन्फिनिटी के लिए एक फार्मूला ड्राइव किए हैं जो हम बाद में उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर यहाँ हम टाइम पीरियड इसके लिए टाइम पीरियड निकालें इस ग्राफ का, तो इस ग्राफ का टाइम पीरियड कितना होगा 2। तो t इक्वल टू 2, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगा 2π/t, तो 2π/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई। अब दोनों ग्राफ को ऐड कर दिए तो दोनों का इक्वेशंस लिखें, तो v1t = v1 dash t प्लस v2 dash t हो गया। अब v1t हम निकाल लिए, v1t इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि हम एक साइकिल का निकाल रहा हूँ। तो v1t इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ओरिजिन से पास हो रहा है तो v0 sin ωt u t प्लस दूसरा 1 पे शिफ्ट हो गया तो v0 sin ωt - 1 u t - 1, और पुटिंग ओमेगा इक्वल टू हम क्या पुट कर देंगे पाई। तो v1t किसके बराबर हो जाएगा v0 sin πt u t प्लस v0 sin πt - 1 u t - 1 टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हम यहाँ क्या करें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें, तो v1t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा v1s, तो v1 किस s कितना हो जाएगा v0 कांस्टेंट है तो v0, और sin πt मतलब ओमेगा की वैल्यू पाई है तो sin ωt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ω/s² + ω² होगा, तो ओमेगा की वैल्यू पाई है तो πs² + ω πs² प्लस दूसरा अगेन v0
यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, कितना माइनस शिफ्टिंग है, माइनस वन, तो ई के पावर माइनस एस पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल गया, वी वन एस। लेकिन हमें निकालना है एक वेव फॉर्म का निकला है, एक साइकिल का निकला है, हमें टोटल साइकिल का निकालना है, टोटल वेव फॉर्म का निकालना है इन्फानाइट तक। तो इन्फानाइट तक का वेव फॉर्म का निकालने के लिए फार्मूला होता है वी एस इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस ई के पावर माइनस एस टी इंटू वी वन एस। वी वन एस इक्वल टू वी वन एस इन इक्वल टू वन अपॉन ई वन माइनस ई के पावर माइनस एस टी है, यहाँ टी की वैल्यू वन है, यानी टाइम पीरियड फुल साइकिल जो था उसका वन है, तो वन अपॉन ई के पावर माइनस एस, और वी वन एस की वैल्यू जो निकाले हम यहाँ पुट कर दिए तो जो वैल्यू आया वो टोटल वी एस। थैंक यू।